नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बात करेंगे हम नेहा सिंह राठौर की, जिन्होंने बिहार में काबा गाना गाया था, गीत गाया था, और काफ़ी पॉपुलर भी हैं वो अपने भोजपुरी भाषा में गाना के लिए, और सभी लोग उन्हें जानते हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर पर मुसीबत आ पड़ी है। उनकी माँ कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और शुक्रवार रात को उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि सदर अस्पताल में, फिलहाल भभुआ के सदर अस्पताल में उनकी माँ एडमिट हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराना होगा, और उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी माँ को वहाँ शिफ्ट करवा सके। अतः उन्होंने निवेदन किया था प्रशासन से और भी लोगों से कि उनकी मदद करें, और रोते हुए उन्होंने इस वीडियो को अंत किया था, जिसके बाद कुमार विश्वास, मनोज तिवारी जैसे बड़े लोगों ने इसे रीट्वीट किया था। कुमार विश्वास ने रीट्वीट करते हुए लिखा था, आदरणीय @NitishKumarji, एक प्रतिभाशाली बेटी आपकी ओर देख रही है, मदद करिए। प्रिय यादव तेजस्वी, आप सत्ता में नहीं हैं किंतु प्रभावी तो हैं, आपका हाथ बढ़े। नेहा की आंखों में आंसू उसकी जीजी विशा की हार है। आप दोनों पर ना हो तो बता दीजिए, बिहार बेटियों का दुख हरना जानता है। ऐसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने रीट्वीट करते हुए नेहा सिंह राठौर के बारे में लिखा था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनकी मदद करें, जिसके बाद तेजस्वी यादव मदद के लिए सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उसके बाद उसे रीट्वीट करते हुए लिखा, कुमार भाई, नेहा बहन की माता जी को सदर अस्पताल में हमारे विधायक सुधाकर सिंह जी ने ही भर्ती कराया था, अब उनकी इच्छा अनुसार उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में शिफ्ट करा रहे हैं। जरूरी दवा के लिए विधायक जी अपनी गाड़ी वाराणसी भेज चुके हैं। हमारी टीम लगातार नेहा बहन के संपर्क में है। तो नेहा सिंह राठौर की मदद तेजस्वी यादव ने कर दी है और इसको रीट्वीट भी किया है। तेजस्वी यादव ने लगातार लोगों की मदद की है। उन्होंने अपने राजद प्रकोष्ठ के द्वारा राजद चिकित्सक प्रकोष्ठ बनाया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के लिस्ट दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कभी कई लोगों की मदद करते भी नजर आ रहे हैं। तो कुमार विश्वास के ट्वीट करने के बाद तेजस्वी यादव ने यह जानकारी साझा की कि उनके ही विधायक ने नेहा सिंह राठौर की मां को सदर अस्पताल में भी एडमिट करवाया था और आगे नारायण मेडिकल कॉलेज में भी एडमिट कराने जा रहे हैं, और सारी सुविधा उनके तरफ से दी जा रही है। तो नेहा सिंह राठौर जी को घबराने की जरूरत नहीं है। बताएं आपको कि नेहा सिंह राठौर अपने भोजपुरी गीतों के लिए खूब प्रचलित हैं तथा सरकार पर अक्सर वो तंज कसते आती हैं अपने गीतों के थ्रू। उन्होंने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं, कई ऐसे गीत गाए हैं जो सरकार के लिए है, सरकार के खिलाफ है, और कई ऐसे बातें कही हैं जो सच्चाई को उजागर करती है। जिसके बाद अब जब उन्हें ज़रूरत आन पड़ी तो तेजस्वी यादव ने उनका हाथ बढ़ाया है। बहुत ही सकारात्मक ढंग से बातें कही गई, मदद की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।